गाइस वेलकम टू माय न्यू वीडियो अर्पित के ब्लॉग्स में स्वागत है एक और नए वीडियो के साथ। सो गाइस जैसे कि देख रहे हैं आज हमारे साथ बजाज के CT 110X मॉडल खड़ी है, तो इसका आज मैं फुल डिटेल रिव्यू देने वाला हूं। और मेरे चैनल में अगर आप नए होंगे तो आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं, वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर आपका टू व्हीलर या फोर व्हीलर का इंश्योरेंस ख़त्म होने वाला है, एक्सपायरी होने वाला है, तो मैं एक इंश्योरेंस एजेंट का एक नंबर दे रहा हूँ जिससे कि आप इन्फॉर्मेशन वगैरह आप ले सकते हैं इंश्योरेंस के बारे में इको टोक्यो का, तो आप वहाँ से इंश्योरेंस करा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। Hold on, just let us escape and fly away tonight. गाइस आप स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल से। तो जैसे कि देख सकते हैं इसके वाइजर, सबसे पहले हम बात करें इसके वाइजर के, तो यहाँ पे आपको ब्लैक मैट फिनिश के साथ पूरे वाइजर देखने को मिलती है जो कि काफ़ी तगड़ी लुक में ये देती है। और यहाँ पे आपको देखिए नंबर प्लेट लगाने के ऑप्शन देखने को मिलता है। जो DRL है, DRL की हम बात करें तो LED में आपको यहाँ देखने को मिलती है, डे नाइट रनिंग LED है जो कि काफ़ी अच्छी ये दिखने में लगती है। और उसके जस्ट नीचे आपको यहाँ पे राउंड शेप पे आपको हेडलाइट देखने को मिलता है, हैलोजन में आती है। और यहाँ पे आपको देखिए डुअल टोन के साथ यहाँ स्टिकरिंग दिया गया है रेड और ब्लैक के पेस्टिंग के साथ, जो कि काफ़ी तगड़ी है, बेहतर दिखने में भी लगती है। और इसकी कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी प्यारी है, दिखने में भी लगती है। और इसमें आप देख सकते हैं साइड साइड में आपको यहाँ टर्न इंडिकेटर मिल जाती है फ्लेक्सिबल वाली, जो कि ये बाई चांस ये बाइक गिर भी जाएगी तो ये इंडिकेटर टूटेगी नहीं। ये जो देख रहे हैं हैलोजन में आपको फ्लेक्सिबल यहाँ देखने को मिलती है। देख रहे हैं सस्पेंशन पे यहाँ आपको कवर देखने को मिलता है, जो कि इसकी सस्पेंशन हाइड्रोलिक टेलीस्कोपिक 125mm ट्रैवल दिया गया है। और सस्पेंशन पे ही आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको येलो कलर का रिफ्लेक्टर देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पे पूरी ब्लैक मैट फिनिश के साथ यहाँ पे आपको येलो कलर का रिफ्लेक्टर देखने को मिलता है। और इसकी हम मडगार्ड की बात करें तो मडगार्ड भी पूरी ब्लैक मैट फिनिश के साथ आती है। ये जो है इसकी क्वालिटी जो है ये फाइबर में आती है, जो कि ये फाइबर में काफ़ी इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी खासी है, उतनी नहीं है लो क्वालिटी। हम फ्रंट ब्रेक डायमीटर की बात करें तो 130mm की आती है। और इसकी जो टायर साइज है वो 2.75-17 है। और इसकी हम व्हील साइज की बात करें तो व्हील साइज इसमें आपको 431.8mm देखने को मिलती है। सो गाइस अब इसकी हम लेफ्ट साइड की हैंडल बटन की बात करें कि इसमें आपको क्या क्या फीचर्स और क्या क्या बटन देखने को मिलती है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको देखिए पास लाइट का ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पे चला रहा हूँ मैं। और यहाँ पे हाई बीम, लो बीम, टर्न इंडिकेटर और हॉर्न, साइड पे क्या क्या बटन मिलता है तो चलिए देखते हैं। साइड पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको दो बटन देखने को मिलता है। पहला जो आप यहाँ देख रहे हैं वो है कि आप इसे हेडलाइट ऑन कर सकते हैं और DRL जो है थोड़ी फीकी पड़ जाती है। और यहाँ पे आपको पावर स्टार्ट करने का ऑप्शन देखने को मिलता है। अब इसकी हम मीटर कंसोल की बात करें तो मीटर कंसोल इसमें फुली एनालॉग आपको देखने को मिलता है। और क्या क्या इसमें आपको फीचर्स देखने को मिलता है तो चलिए देखते हैं। बात करें इसके स्पीडोमीटर की तो स्पीडोमीटर आपको फुली एनालॉग में आती है, 120 की टॉप स्पीड आपको देखने को मिलेगा। और इसकी हम बात करें सेकेंड वाली एनालॉग मीटर की तो यहाँ पे आपको फ्यूल की इंडिकेशन बताती है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। और यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर का इंडिकेशन देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको न्यूट्रल की इंडिकेशन मिलती है, इंजन माल फंक्शन और यहाँ पे पास लाइट का ऑप्शन देखने को मिलता है। कि हम साइड प्रोफाइल की बात करें तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसके टैंक, सबसे पहले हम इसकी टैंक की बात करें तो इसमें आपको 10.5 लीटर का टैंक कैपेसिटी देखने को मिलता है। और टैंक पे ही आपको देखिए यहाँ पे 3-टोन का स्टिकरिंग दिया गया है, जो कि काफ़ी तगड़ी है, दिखने में भी लगती है। और यहाँ पे आपको सिटी लिखी हुई एक ब्रांडिंग मिलती है। और उस पर जस्ट आपके बगल में यहाँ पे देखिए टैंक पैड आपको दिया गया है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं पूरी ये ब्लैक कलर में है, जो कि काफ़ी मजबूती इसकी काफ़ी अच्छी खासी है। और उसके जस्ट हम नीचे की बात करें इसके लेग गार्ड की, तो लेग गार्ड भी आप देखने में ही आपको लग रहा होगा कि कितनी मजबूती और कितनी तगड़ी वाली यहाँ दिया गया है। और यहाँ पे आपको यहाँ एक कवर भी देखने को मिल जाता है। और उसके जस्ट नीचे यहाँ पे देखिए आपको फ्यूल रिजर्व वगैरह करने का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। और उसके जस्ट हम नीचे की इसके इंजन की बात करें तो इंजन पे देखिए आपको यहाँ पे एक बजाज का ब्रांडिंग मिलता है। और यहाँ पे आपको देखिए इसकी हम गियर नॉब की बात करें तो 4-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स आपको मिलता है। और यहाँ पे आप इसकी लेगरेस्ट देख रहे हैं, ये भी काफ़ी मजबूती, इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी खासी है। और यहाँ पे आपको देखिए साइड स्टैंड में आपको साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर दिया गया है, अगर आपकी ये सीवर लगी रहेगी तो आपका इंजन स्टार्ट नहीं होगा,
उसे ही कहते हैं साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर, इसमें दिया गया है। इसके हम सीट की बात करें तो सीट आपको इस यहाँ पे 812 mm का सीट हाइट देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी कसन जो है काफ़ी कंफर्टेबल सीट आपको यहाँ प्रोवाइड किया है, पूरी लॉन्ग में आपको देखने को मिलेगी। और सीट पे यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं व्हाइट कलर का स्टिचिंग किया गया है, और यहाँ पे आपको 3 डिजाइन यहाँ देखने को मिलती है जो कि काफ़ी प्यारी है, दिखने में भी लगती है। और सीट के जस्ट हम नीचे की बात करें तो यहाँ पे आपको देखिए 110X लिखी हुई एक ब्रांडिंग मिलती है, 3 टोन में स्टिकरिंग दिया गया है जो कि काफ़ी तगड़ी है, दिखने में भी लगती है। और उसके जस्ट यहाँ पे देखिए आपको चाबी लगाने का ऑप्शन देखने को मिलता है, जिससे कि आप यहाँ पे इसे खोल सकते हैं और गाड़ी के कागज़ पत्तर वगैरह आप यहाँ आराम से रख सकते हैं। और उसके जस्ट नीचे की हम चैन की इसकी बात करें तो चैन इसमें आपको फुली कवर यहाँ देखने को मिलता है, जो कि ये पूरी मेटल में आती है। बहुत सारी गाड़ी में ये होती है कि उसमें आपको फाइबर देखने को मिलता है, लेकिन इसमें आपको पूरी मेटल में देखने को मिलती है। और इसकी हम सेकेंड फुटरेस्ट की बात करें, ये भी देखिए टर्नेबल और ये पूरी काफ़ी तगड़ी वाली यहाँ पे आपको मेटल की फुटरेस्ट यहाँ देखने को मिलती है। और इसकी हम थर्ड फुटरेस्ट की बात करें तो ये पूरी आप साड़ी गार्ड देख रहे हैं ब्लैक मैट फिनिश के साथ, ये भी पूरी मेटल में आती है। और यहाँ पे देखिए थर्ड फुटरेस्ट भी पूरी मेटल में आती है, इसकी मजबूती काफ़ी अच्छी खासी है। इसकी हम रियर सस्पेंशन की बात करें तो स्प्रिंग इन स्प्रिंग SNS सस्पेंशन आपको प्रोवाइड किया जाता है। और सीट के ये जो आप देख रहे हैं इसकी जो ग्रैब हैंडल है, ग्रैब हैंडल आपको पूरी लंबी में आपको यहाँ देखिए पूरी मेटल में आती है। यहाँ पे आपको कवर भी दिया गया है जो कि इसकी मजबूती काफ़ी अच्छी खासी है, यहाँ की आप सामान वगैरह आराम से इसमें लोड कर सकते हैं और बांध सकते हैं, इसकी मजबूती काफ़ी अच्छी खासी मेटल में दिया गया है। इसकी अब हम राइट प्रोफाइल की बात करें तो जैसे कि यहाँ देख सकते हैं इसके इंजन पर, पहले मैं बताता हूँ कि यहाँ पर आपको देखिए किक स्टार्ट का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा और पावर स्टार्ट भी। और यहाँ पे देखिए इंजन पे ही आपको यहाँ पे DTSI लिखी हुई ट्विन स्पार्क की एक ब्रांडिंग मिलती है, जो ये दिखने में काफ़ी बेहतर लगती है। और उसके जस्ट नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी मडगार्ड यहाँ आपको देखने को मिलेगा, यहाँ कवर लगाया गया है वो भी पूरी मेटल में आपको यहाँ देखने को मिलती है, देख लीजिएगा इस। और इसकी जो है अब हम ब्रेक पैडल की बात करें तो ब्रेक पैडल यहाँ दिया गया है, इसकी फुटरेस्ट ये काफ़ी मजबूती में आती है। और इसकी हम साइलेंसर की बात करें तो साइलेंसर पूरी यहाँ पे आपको इतनी लंबी की साइलेंसर देखने को मिलती है, और साइलेंसर पे ही आपको यहाँ स्टील गार्ड देखने को मिलता है सिल्वर कलर में। और इसकी देखिए आपको राइट साइड में भी आपको फुटरेस्ट यहाँ देखने को मिलती है पूरी की, आप यहाँ देख रहे हैं पूरी ब्लैक मैट फिनिश के साथ है, जो कि काफ़ी तगड़ी वाली आपको यहाँ प्रोवाइड किया जाता है। अब बात करते हैं इसके बैक प्रोफाइल की, तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं पहले हम बात करें इसके टेल लाइट की, तो इसमें आपको हैलोजन टेल लाइट देखने को मिलता है, और साइड साइड में आपको टर्न इंडिकेटर मिल जाती है हैलोजन वाली, वो भी फ्लेक्सीबल, अगर ये बाई चांस गिर भी जाएगी तो ये इंडिकेटर टूटेगी नहीं। और यहाँ पे टेल लाइट के जस्ट नीचे आपको छोटी सी एक नंबर प्लेट की यहाँ हैलोजन लाइट देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आपको नंबर प्लेट लगाने का ऑप्शन देखने को मिलता है। और उसके जस्ट नीचे यहाँ पे आपको रेड कलर का रिफ्लेक्टर देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आपको पूरी मडगार्ड की ऑप्शन देखने को मिलती है। गाइस अब इसका इंजन स्टार्ट करते हैं और इसका साउंड कैसा है आपको सुनाते हैं। सो गाइस इसका आपको साउंड कैसा लगा मुझे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसकी हम रियर ब्रेक डायमीटर की बात करें तो 110 mm, और इसकी जो रियर टायर साइज है वो 317 है। और इसकी व्हील साइज की हम बात करें तो व्हील साइज आपको 431.8 mm देखने को मिलेगी। इसकी इंजन एंड स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इंजन इसमें आपको 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर के साथ 110cc आपको देखने को मिलता है। और इसकी जो हम मैक्स टॉर्क की बात करें तो 9.81 Nm, और इसकी जो पीक पावर है वो 8.6 PS आपको देखने को मिलेगा। और एयर कूल कूलिंग सिस्टम के साथ 2 वेल्व पर सिलेंडर, और स्टार्टिंग इसमें आपको किक एंड सेल्फ स्टार्ट दोनों देखने को मिलेगा। और इसकी जो फ्यूल सप्लाई है वो फ्यूल इंजेक्शन में आएगी, और इसकी जो क्लच है वो वेट मल्टीप्लेट क्लच आपको देखने को मिलेगा। इसकी हम ब्रेकिंग टाइप की बात करें तो कॉम्बी ब्रेक सिस्टम आपको दिया गया है, और एक कम्यूटर बाइक है एक, जो कि काफ़ी बेहतर बाइक है। और इसकी हम विथ की बात करें, ओवरऑल विथ की बात करें तो 753 mm, और इसकी जो लेंथ है वो 1998 mm का आपको यहाँ लेंथ देखने को मिलेगा, और 1098 mm का हाइट। और इसकी हम फ्यूल कैपेसिटी की बात करें तो 10.5 लीटर का आपको फ्यूल कैपेसिटी देखने को मिलेगा, और इसकी जो सेडल हाइट है वो 810 mm है। और इसकी जो टोटल इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलेगा, और दोनों चक्का का जो व्हील बेस है वो 1285 mm का दोनों चक्का का व्हील बेस आपको देखने को मिलेगा। और इस गाड़ी का जो कर्व वेट है वो 118 kg की कर्व वेट आपको देखने को मिलेगा। और इसकी बात करते हैं इस गाड़ी के मेन मुद्दे पर कि ये माइलेज देगी कितना, तो कंपनी क्लेम करता है 70 किलोमीटर पर लीटर, और हम इसकी कीमत की बात कर रहे हैं ऑन रोड कीमत की, तो ये आपको 86,000 ऑन रोड कीमत पड़ेगा, 86,000 ऑन रोड प्राइस है इस बाइक का। सो गाइस ये बाइक अगर आपको लेना है तो ये मुझे काफ़ी बेहतर बाइक लगा,
कम पैसे में अच्छा बाइक है, जो कि ये माइलेज भी देगी और सिटी 100 की ये न्यू मॉडल है। इसकी सोल वगैरह भी आप देख सकते हैं, काफ़ी कम्यूटर बाइक में है, काफ़ी इसकी लुक जो है काफ़ी बेहतर आपको देखने को मिलेगा। स्पेशल थैंक्स टू मून बजाज कोलिब्रा मुझे बाइक प्रोवाइड करने के लिए। अगर आप कोई भी बजाज की बाइक वगैरह आप लेना चाहते हैं तो मैं एक डिस्क्रिप्शन में इनका कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया हूँ, तो जाइए एक बार इनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट से हैं तो इनसे आप बाइक वगैरह आराम से ले सकते हैं। ये आपको बजाज सिटी 110X कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल में अगर आप नए होंगे तो आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू गाइस, बाय।